राज्य में कोरोना पॉजिटिव मरीज की संख्या तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में लॉकडाउन 2 का सख्ती से पालन कराना बेहद जरूरी है। अभी भी कुछ स्थानों पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन नहीं कर रहे हैं, साथ ही अनावश्यक घरों से बाहर निकल रहे हैं। भागलपुर में 4 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद शहर में कुल 47 जगहों पर नाकेबंदी कर पुलिस की तैनाती की गई है। वहीं कंटेनमेंट जोन में प्रवेश करने वाली सभी सड़कों को सील करते हुए मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। रविवार को SSP आशीष भारती के निर्देश पर जिले के चिन्हित चौक चौराहों और प्रतिबंधित क्षेत्र की सीमा पर BMP के जवानों को लगाया गया, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता सैयद इनामुद्दीन ने। देश भर में कोरोना वायरस का मामला तेजी से बढ़ रहा है, साथ ही बिहार में भी इसके कई 200 से अधिक मामले अब तक सामने आ चुके हैं। भागलपुर में भी 4 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं, जिसके बाद जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की ओर से सख्ती तेज कर दी गई है। आप देख सकते हैं कि पूरे इलाके की नाकेबंदी कर दी गई है और जो प्रतिबंधित क्षेत्र है उसमें 3 किलोमीटर के दायरे में 3 किलोमीटर की परिधि में पूरी तरीके से वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है और काफ़ी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती कर दी गई है। जगह जगह पर पुलिस के जवान मुस्तैद हैं और रात दिन 24 घंटे मजिस्ट्रेट के साथ यहाँ पर पुलिस के अधिकारी और जवान ड्यूटी कर रहे हैं। और जो अति आवश्यक कार्य से जो जा रहे हैं या जो सरकारी वाहन है बस उसे ही प्रवेश करने दिया जा रहा है। नाकेबंदी की गई है, कुल 47 स्थानों को चिन्हित कर पॉइंट बनाया गया है जहां पर लोगों की आवाजाही नहीं होने दी जा रही है। साथ ही कई स्थानों पर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। इस वक्त हम मौजूद हैं लोहिया पुल पर और आप देख सकते हैं, हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर प्रतिबंधित क्षेत्र है और मजिस्ट्रेट तैनात है, साथ ही मुजाहिदपुर थाना की पुलिस भी मौजूद है। कई स्थानों पर आज से BMP के जवानों को भी लगाया गया है और जिस तरीके से भागलपुर में मामले आए हैं सामने, इसके बाद जिलाधिकारी प्रणव कुमार और SSP आशीष भारती ने स्वयं जो क्षेत्र है जिसमें कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं उसका निरीक्षण किया और लगातार जिला प्रशासन की ओर से नज़र रखी जा रही है उन क्षेत्रों पर और अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिया गया है। और कोरोना वायरस का संक्रमण भागलपुर में तेज़ी से ना फैले, इसको लेकर के जिला प्रशासन की ओर से, पुलिस प्रशासन की ओर से मुकम्मल व्यवस्था की गई है। सिल्क TV भी आप सभी दर्शकों से, आप सभी लोगों से, देशवासियों से अपील करती है कि जिला प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का, सरकार का सहयोग करें, तभी कोरोना वायरस को मात दिया जा सकता है। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सुमित के साथ सैयद इनामुद्दीन, सिल्क TV, भागलपुर। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के बीच भागलपुर वासियों के लिए राहत भरी खबर आई है। 5 कोरोना पॉजिटिव मरीज के संपर्क वाले संदिग्धों की रिपोर्ट निगेटिव आई है। मायागंज अस्पताल और सदर अस्पताल से भेजे गए सैंपल में 151 संदिग्धों की रिपोर्ट निगेटिव आई है। क्या है पूरी जानकारी, देखिए रविशंकर सिन्हा की रिपोर्ट। एक और जहां कोरोना वायरस को लेकर देश भर में दहशत का माहौल बना हुआ है और बिहार में भी लगातार मरीजों की संख्या में वृद्धि होती जा रही है, पॉजिटिव केस लगातार तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। पिछले एक सप्ताह में जो है, जो पहले उसके पहले एक महीने में जो 86 केस थे वो पिछले एक सप्ताह में 150 का आंकड़ा पार कर चुका है और इस तेज़ी को देखते हुए जिला प्रशासन और सरकार ने भी लगातार इसके लिए कई एहतियातन कदम उठाए हैं। और हालांकि हम आपको एक खबर यह बता दें कि भागलपुर मायागंज से एक अच्छी खबर आ रही है कि भागलपुर में जो 4 पॉजिटिव केस भर्ती हैं तो उनके संपर्क में आने वाले जिस मरीजों के, जिस जो भी संदिग्ध थे उनकी जो जाँच हुई थी उनसे अधिकतर लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आई है। 87 लोगों की रिपोर्ट आज मायागंज अस्पताल में आई है जो निगेटिव है, 87 के 87 सभी निगेटिव हैं। और सदर अस्पताल में आए हुए जो कल भी 32 मरीजों का रिपोर्ट आया था और आज भी 32 मरीजों का रिपोर्ट आया और दोनों ही जगह ये लगातार जितने भी रिपोर्ट आए हैं सारे के सारे निगेटिव हैं। तो इसमें जो 177 जो जांच के सैंपल गए थे उसमें से करीब 150 से अधिक रिपोर्ट अब तक निगेटिव आ चुके हैं, तो ये एक अच्छा संकेत है। और इसको लेकर के लोगों में काफ़ी दहशत छाया हुआ था, ऐसा लग रहा था कि पता नहीं और कितने लोग इसकी चपेट में आए, हालांकि कुछ रिपोर्ट आना अभी बाकी है लेकिन फिलहाल एक बड़ी राहत है। हालांकि इसके बावजूद जो है एहतियात बरतना ज़रूरी है और हालांकि राज्य में पिछले एक सप्ताह में जिस तेज़ी से कोरोना मरीजों की वृद्धि हुई है उसको देखते हुए इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता है
और इसके लिए लगातार जो है लॉकडाउन का पालन करने की ज़रूरत है। सख्ती से जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन लगातार इसके लिए लॉकडाउन का पालन करवा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने भी खास इसके लिए दिशा निर्देश दिया है कि जहाँ पर भी कोरोना के पॉजिटिव केस अधिक पाए जा रहे हैं वहाँ और अधिक तेज़ी से स्क्रीनिंग करवाया जाए और उसके साथ जो भी गाइडलाइन है सरकार की ओर से, स्वास्थ्य विभाग की ओर से, उसका पूरी तरीके से पालन कराया जाए। वहीं हम आपको बता दें कि पूरे देश में जो है मरने वालों की संख्या 800 का आंकड़ा पार कर चुकी है जबकि 26,000 संक्रमित पाए जा चुके हैं पॉजिटिव, कोरोना पॉजिटिव के। और भागलपुर में एक अच्छी खबर लोगों के लिए है कि जो निगेटिव जो रिपोर्ट आई है लोगों की, जो भी जाँच सैंपल गए थे तो उसको देखते हुए, हालांकि आगे फिर भी एहतियात बरतना ज़रूरी है और लगातार कोरोना से लड़ाई को जीतने के लिए हम सबों को एकजुट होकर के लॉकडाउन का पालन करना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग को लगातार मेंटेन करना होगा और सरकार द्वारा जारी किए गए सभी गाइडलाइन का पूरी तरीके से पालन करना ही एकमात्र उपाय है जो इस कोरोना महामारी से लड़ाई में हमें जीत दिला सकता है, सफलता दिला सकता है। कैमरा पर्सन सुमित कुमार के साथ रविशंकर सिन्हा, सिल्क टीवी, भागलपुर। भागलपुर नाथनगर के ललमटिया थाना क्षेत्र से एक महिला को कोरोना जांच के लिए मायागंज अस्पताल भेजा गया है। बताया जा रहा है कि महिला शनिवार को मुंगेर के जमालपुर स्थित मायके से अपने पति के साथ ससुराल भागलपुर आई थी, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना ललमटिया थाना अध्यक्ष ओम प्रकाश को दी, जिसके बाद थानाध्यक्ष ने स्वास्थ्य विभाग को जमालपुर से महिला के आने की सूचना दी तो स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची और महिला एवं उसके पति को जांच के लिए अस्पताल ले गए। हम आपको बता दें कि मुंगेर का जमालपुर कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है जिसके कारण लोग काफी दहशत में हैं। केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ आरपीएफ एवं जीआरपी के संयुक्त तत्वाधान में पूर्व रेलवे मालदा मंडल अंतर्गत झारखंड के साहेबगंज रेलवे स्टेशन पर जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान संघ के अध्यक्ष विष्णु खेतान, आरपीएफ प्रभारी एस के सुमन एवं स्टेशन प्रबंधक आरएस पांडे ने सभी पुलिस कर्मियों एवं रेलवे कर्मचारियों को सैनिटाइजर, मास्क एवं ग्लव्स दिया। विष्णु खेतान ने कहा कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का नियमित प्रयोग करना आवश्यक है। पुलिसकर्मी लगातार अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, इसीलिए सुरक्षा का ख्याल रखने की जरूरत है। आरपीएफ प्रभारी एस के सुमन ने कहा कि संघ की ओर से देशभर में रेल यात्रियों के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाता है, साथ ही सभी पोस्ट पर साउंड सिस्टम, पेन ड्राइव, माइक एवं बैनर पोस्टर भी दिया जाता है। उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा और नशा खुरानी के साथ कोरोना महामारी से बचाव को लेकर संस्था लगातार प्रयासरत है। इस मौके पर कौशल्या ज्योति ट्रस्ट एवं रोटरी क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेंद्र नाथ तिवारी, मनीष दुबे, अखंड भारत सेवा समिति के मुरलीधर, श्याम सुंदर, मुख्य टिकट निरीक्षक गोकुल प्रसाद सिंह, मिनहाज आलम, अर्पित जालान एवं काली चलन शर्मा मौजूद थे। रेलवे मालदा मंडल अंतर्गत झारखंड के साहेबगंज रेलवे स्टेशन पर आज केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ आरपीएफ जीआरपी के संयुक्त तत्वाधान में हम लोग कोरोना वायरस को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। साथ ही साथ यहां पर जवानों के बीच मास्क, सैनिटाइजर और हैंड ग्लव्स का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में अपने आरपीएफ प्रभारी और जीआरपी के थाना अध्यक्ष, स्टेशन प्रबंधक के साथ साथ सीआईटी इंचार्ज, सभी लोग, रेल कर्मियों के साथ साथ सफाई कर्मी, सारे लोग यहाँ मौजूद थे। संस्था के द्वारा संपूर्ण भारतवर्ष में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, साथ ही साथ कोरोना वायरस को लेकर हम लोग सभी स्टेशन पे आरपीएफ जीआरपी के संयुक्त तत्वाधान में ग्लव्स, सैनिटाइजर और मास्क भी वितरण कर रहे हैं और संस्था के द्वारा भागलपुर से मुंगेर, जमालपुर से लेके साहेबगंज झारखंड तक, साहेबगंज जिला अंतर्गत मिर्जा चौकी प्लस पीरपैती, कहलगाँव, सिमरानपुर के आसपास के क्षेत्र के साथ साथ नौगछिया में भी संस्था के द्वारा दवाई जिनको जरूरत है वो पहुंचाई जा रही है। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण से बचाव के लिए लागू लॉकडाउन के बीच हजारों परिवार के लिए विजय यादव किसी फरिश्ते से कम नहीं है। नाथनगर के विजय यादव लगातार पिछले कई दिनों से गरीबों और जरूरतमंदों के बीच राशन वितरण के साथ साथ कई गाँवों में घूम घूम कर सैनिटाइजेशन भी कर रहे हैं। लॉकडाउन में एक भी गरीब भूखा न रहे, इसी संकल्प के साथ विजय यादव पूरी लगन एवं निस्वार्थ भाव से प्रतिदिन लोगों के बीच जा जाकर उनकी फरियाद सुनते हैं और मदद भी करते हैं। युवा समाज सेवी विजय यादव आम जनों से अपील करते हैं कि लॉकडाउन का पालन करें एवं कोरोना से जारी जंग में सरकार के साथ साथ कदम से कदम मिलाकर चले।
कोरोना जैसी भयानक महामारी के बीच डॉक्टर अशोक कुमार आलोक दिहाड़ी मजदूरों, जरूरतमंदों एवं असहाय लोगों के लिए मसीहा बनकर आए हैं। लॉकडाउन में किसी गरीब को कोई तकलीफ ना हो, इसी मुहिम के साथ भागलपुर के लाल डॉक्टर अशोक कुमार आलोक निरंतर जन सेवा में लगे हुए हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए शहर के विभिन्न क्षेत्रों में घूम घूम कर सैनिटाइजेशन एवं राशन मुहैया करा रहे हैं। पैसे की कमी हो या राशन की, भागलपुर का लाल अशोक कुमार आलोक संकट की इस घड़ी में निस्वार्थ भाव से जरूरतमंदों के बीच खड़ा है। डॉक्टर अशोक कुमार आलोक आम जनों से अपील करते हैं कि घर पर रहे, सुरक्षित रहे। क्या आपको कान, नाक या गले में कोई समस्या है, जैसे कान बहना, सुनने में परेशानी, कान में दर्द, गले की खराश, गले में दर्द, थायराइड, नाक का मांस बढ़ना या एलर्जी इत्यादि है, तो समस्या के निदान हेतु आपके शहर में विश्व स्तरीय अस्पताल एडवांस ईएनटी हॉस्पिटल, जिसमें अति आधुनिक उपकरणों द्वारा उपचार डॉक्टर एचआई फारूक की देखरेख में किया जाता है। डिजिटल एक्सरे एवं कंप्लीट ऑडियोलॉजिकल प्रोफाइल की व्यवस्था, साउंड प्रूफ परिवेश में बेरा, ऑटो एकॉस्टिक इमिशन, टेम्पोनोमेट्री जांच की जाती है और हाँ, एक दिन के बच्चे की भी सुनाई का आकलन किया जा सकता है। बिना तार वाली कान के अंदर लगने वाली सूक्ष्म देसी विदेशी सुनाई की मशीन भी उपलब्ध है। विदेशी मशीनों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर तथा पेशेंट के रहने के लिए एसी, नॉन एसी जनरल वार्ड उपलब्ध है। चंपा नाला पुल के निकट चंपा नगर भागलपुर। लॉकडाउन के बीच छापेमारी करने गई नदी थाना की पुलिस पर गोली चलाने वाले अपराधी को नवगछिया पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नदी थाना अध्यक्ष महताब आलम ने बताया कि अपराधियों को पकड़ने ढोंडिया गांव पहुंची पुलिस को देखते ही लोग भागने लगे। इस दौरान पुलिस ने खदेड़कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी निशानदेही पर कुछ दिन पहले पुलिस पर गोली चलाने वाले अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। नदी पीएस केस नंबर 14/20 दिनांक 6/4/20 धारा 307 353 भादवी एवं 27 सेक्टर का केस दर्ज हुआ था। ये 8 लोग मिलकर पुलिस पर फायरिंग किए थे ढोड़िया कोसी बांध पर, जिसमें पहले 3 की गिरफ्तारी हुई है। मोहन यादव, बबलू यादव, विजय यादव, तीनों को जेल भेजा जा चुका है, इसको भी जेल भेजा जा रहा है। कोटा समेत दूसरे राज्यों में फंसे बिहार के छात्रों को लेकर भागलपुर नगर विधायक अजीत शर्मा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बच्चों को घर वापस लाए जाने की मांग की है। नगर विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि बिहारी छात्रों को वापस लाने के लिए मुख्यमंत्री को अविलंब आदेश पारित करना चाहिए। विधायक ने कहा कि प्रतिदिन उनके आवास पर कई अभिभावक आ रहे हैं और बच्चों को दूसरे प्रदेश से भागलपुर लाए जाने की व्यवस्था करने की मांग कर रहे हैं। विधायक अजीत शर्मा ने बताया कि कुछ अभिभावक ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने बच्चे की चिंता में खाना पीना छोड़ दिया है और मानसिक रूप से तनाव में जी रहे हैं। कुछ राज्य तो अपने बच्चों को वापस स्टेट में लाने के लिए आदेश पारित किया है, मैंने भी टीवी चैनलों में देखा है। अभी तक हमारे माननीय मुख्यमंत्री बिहार कोई आदेश नहीं किए हैं। बच्चे वहां बिहार के, जैसा कि हमें न्यूज चैनल से पता है कि 18,000 से 20,000 के बीच लोग हैं। निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री को चाहिए कि उन बच्चों को घर वापस लाएं, क्योंकि वह बिहार के अंग हैं। कुछ लोगों को, जैसे कि एक भाजपा का विधायक जो न्यूज चैनल के माध्यम से पता चला कि वह अपने बेटी को लाने के लिए पास ले लिए, यह बिल्कुल गलत है। निर्णय एक होना चाहिए सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी लाना है तो सबों को लाइए। और कार्रवाई किस पे हुआ, क्योंकि विधायक है तो किसी छोटे पदाधिकारी को, एडीएम उन्हें को बोला तो उसने पास दे दिया। उन्होंने नियम का उल्लंघन जरूर किया है, लेकिन आपको चाहिए कि सारे बच्चे, वह धरना पर बैठ रहे हैं, सारे बच्चों को निश्चित तौर पर वहां लाना चाहिए, क्योंकि वहां की सरकार उनको देखभाल नहीं कर रही है, उनको। वैश्विक महामारी कोरोना और लॉकडाउन से जहां सारा कारोबार प्रभावित हो रहा है, वहीं लॉकडाउन 2 का असर अधिवक्ताओं के पेशा पर भी दिखने लगा है। भागलपुर कोर्ट कंपाउंड में सैकड़ों अधिवक्ता प्रतिदिन विभिन्न मुकदमे की पैरवी के लिए आते थे, लेकिन लॉकडाउन के कारण व्यवहार न्यायालय परिसर और कोर्ट कंपाउंड में सन्नाटा पसरा हुआ है। लॉकडाउन में वकीलों के सामने रोजी रोटी की समस्या हो गई है। वहीं दूसरी तरफ कानून के जानकार अपने घरों में ही भूखे प्यासे कानून की फाइल पलट रहे हैं। भागलपुर के अधिवक्ता अजय कुमार सिन्हा ने कहा कि जिला विधिज्ञ संघ की ओर से कुछ सहायता राशि बैंक खाता में भेजने की बात कही गई थी,
लेकिन आर्थिक संकट के बाद भी वकीलों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। वहीं अधिवक्ता अजय कुमार सिन्हा ने सर्वोच्च न्यायालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए न्यायिक कार्यों को चालू किए जाने की मांग की है। लॉकडाउन में सारे एडवोकेट को बहुत समस्या हो रही है, आर्थिक समस्या तो है ही, साथ ही साथ क्लाइंट के नहीं आने से जो भी इन लोगों का काम आगे चलता था एडवोकेट लोगों का वो भी बंद हो गया है। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन से, स्टेट बार एसोसिएशन से जो भी आर्थिक मदद की बात कही जा रही है सिर्फ ये पेपरबाजी हो रहा है। स्थल पर किसी भी एडवोकेट को आज तक अभी तक कोई भी सहायता राशि नहीं मिला है, जिससे बहुत सारे एडवोकेट के बीच भुखमरी की भी समस्या पैदा हो गई है। राज्य में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में सरकार और जिला प्रशासन की मुश्किलें बढ़ गई है। वहीं कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के नए कुलपति डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने सभी लोगों से सरकारी दिशा निर्देश का पालन करने की अपील की है। कुलपति अजय कुमार ने कहा कि नोवल कोरोना वायरस से तभी बचा जा सकता है जब लोग सोशल डिस्टेंसिंग का खुद पालन करेंगे। भागलपुर रेड जोन के ओर जा रहा है, जैसा कि मुझे भी जानकारी मिली है, और इसमें हर एक लेवल से सतर्कता जो बरतनी है, सोशल डिस्टेंसिंग जो बरतनी है, और इस पर भी हम लोग कोशिश करेंगे जिस लेवल से जहां तक हो सके कि इस बात को किसानों के बीच और अपने जितने यहां के जनता हैं उनके बीच का, कि हार्वेस्टिंग का भी टाइम चल रहा है तो हार्वेस्टिंग का भी काम होना है, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके होना है। ये जानकारी सभी के सिर्फ एक ही हमारे पास हथियार बचा हुआ है कोविड 19 से अपने आप को बचाने का, वो हमारा सोशल डिस्टेंसिंग। कोरोना महामारी के बीच शहर के विभिन्न क्षेत्रों में गरीब एवं जरूरतमंद परिवार के लोगों के लिए सामाजिक संगठन से जुड़े लोग लगातार राहत सामग्रियों का वितरण कर रहे हैं, जिसमें स्थानीय थाना की पुलिस भी काफी सहयोग कर रही है। नाथनगर ललमटिया थाना क्षेत्र के कबीरपुर इलाके में समाज सेवी विजय यादव एवं उनकी टीम जरूरतमंद परिवारों को खाद्य सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए विजय यादव लोगों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए जागरूक कर रहे हैं। विजय यादव ने बताया कि गरीब परिवारों के बीच राशन उपलब्ध कराकर उनकी मुसीबत को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। बता दें कि लॉकडाउन लागू होने के बाद पिछले 27 दिनों से जरूरतमंद परिवारों के बीच सूखा राशन वितरण करने के साथ पूरे क्षेत्र को सैनिटाइज करने का कार्य विजय यादव के द्वारा किया जा रहा है। आज तो अभी करेला गाँव में जो है वितरण किए हैं, ठीक है, यहाँ पे करीब जो है 100 परिवार को चिन्हित करके यहाँ पे वितरण किया गया। कुछ परिवार छूट गया है, यहाँ के वार्ड पार्षद है ये देवी बाबू है, इनको मैंने बोल दिया है कि जो भी लोग और जो बचा हुआ है जितने भी है, करेला करावे, बैरिया, बलवा टोला, मिर्जापुर, जो भी है जितना भी है सबको चिन्हित करेंगे। चिन्हित करने के बाद सारे लोगों को फिर से शाम में राशन वितरण करेंगे। आज ये लगातार सेवा, यह 30वां दिन कंटिन्यू चल रहा है। ये पूरे भागलपुर जिला के ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, प्रत्येक जगह जहाँ से भी जरूरत पड़ता है लोगों को उस जगह पर जाके मैं वितरण करता हूँ। कोरोना वायरस से बचाव के लिए हर पंचायत में क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, जहां दूसरे शहर से आए लोगों को क्वारंटाइन किया जा सके। रविवार को जगदीशपुर थाना अंतर्गत लोकनाथ उच्च माध्यमिक विद्यालय में बने क्वारंटाइन सेंटर में 15 लोगों को क्वारंटाइन में रखा गया। लॉकडाउन किए जाने के बाद ये लोग मालदा में फंस गए थे, जहां ये लोग ईंट भट्टा में काम करते थे। जगदीशपुर थाना अध्यक्ष संजय कुमार सत्यार्थी ने बताया कि सभी लोगों को ईंट भट्टा के मालिक द्वारा साहिबगंज तक पहुंचाया गया था, जहां से ये लोग पैदल ही बलवा चक पहुंचे। ग्रामीणों से मिली जानकारी के बाद पुलिस गांव पहुंची और सभी मजदूरों को क्वारंटाइन में रखा गया। भागलपुर तिलकामांझी गीतांजलि विवाह भवन की संचालिका गीता जायसवाल ने रविवार को लॉकडाउन को लेकर जरूरतमंद लोगों के बीच राशन सामग्री का वितरण किया। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए गीता जायसवाल ने 200 लोगों के बीच खाद्य सामग्री वितरित किया। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए समाज के कई लोग असहाय लोगों की सेवा के लिए आगे आ रहे हैं, और इसी को लेकर गीता जायसवाल ने भी जरूरतमंदों के बीच खाद्य सामग्री वितरित किया। इस दौरान समाज के लोगों से गीता जायसवाल ने गरीबों की मदद के लिए आगे आने और भूखों को भोजन कराने की बात कही। इस मौके पर बबलू कुमार गुप्ता, आकर्ष कुमार, पंडित पंकज झा समेत कई लोग मौजूद थे। आज गीतांजलि बैंक्वेट हॉल की तरफ से हम लोगों ने कुछ वितरण करने का परोपकार किया है। हमने ये सोचा कि नर सेवा ही नारायण का सेवा है, और यही हमारा विचार में आया, और हमने आज सब जो भी आसपास के गरीब लोग हैं उन लोगों को वितरण करने का चूड़ा, चावल, दाल ये सब दिया है।